Hello and welcome back to Alphabet's Academy Online Classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start GK for class 2nd, and today we will study page number 24 to 27. And on page number 24, the chapter 16 is about understanding. अंडरस्टैंडिंग साइंस साइंस मीन्स निशान ठीक है और अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना तो आज हम लोग कुछ निशान के बारे में देखेंगे निशान जो है वो हमको बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए बहुत ईजी होते हैं ठीक है ना अंडरस्टैंडिंग साइन हेल्प अस टू फाइंड लोकेशन ऑफ ए प्लेस हम बाहर निकलते हैं जाते हैं सड़क पर या रास्ते में कहीं तो हम देखते हैं कि वहाँ अलग अलग, अलग रोड के किनारे या बिल्डिंग के किनारे अलग अलग तरह के साइन आपको देखने को मिलते हैं और उस साइन को देख करके आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर हैं या कौन सी लोकेशन पर हैं चलिए थोड़ा सा और नीचे देखते हैं कि क्या है फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है साइंस आर सम सा, साइंस आर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दी साइंस एंड राइट द नेम्स अब ये निशान अगर आप रोड पर या कहीं सिंबल आप देखेंगे ये तो आप देख करके समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है या यहाँ पर क्या आपको मिल सकता है ठीक है ना तो यहाँ पर ये बस का निशान है एक बॉक्स में तो इसको देख करके हम समझ जाते हैं आपको भी समझना चाहिए कि कौन सी जगह है ये बस ये बस स्टैंड है तो बस स्टैंड जहाँ होता है वहाँ पर इस तरह का आपको निशान उसके आसपास मिल जाता है तो ये दिस इज़ ए साइन ऑफ बस स्टैंड सेकेंड बहुत ईजी है बताइए ये किस चीज का साइन है निशान है ये पेट्रोल पंप का है कि नहीं देखा होगा पेट्रोल पेट्रोल पंप ठीक है इस तरीके से आप साइंस के नेम आपको यहाँ पे फिल करने इस तरह के जो निशान आप ट्रायंगल में है तो इसका मतलब क्या है कि आगे स्कूल है स्कूल अहेड होता है यहां पर आप क्या लिख देंगे स्कूल सिमिलरली आप और नीचे मूव करेंगे तो आपको कुछ और दिखेंगे चौथा नंबर फोर्थ नंबर पे क्या है ये क्या है हॉस्पिटल का निशान है हॉस्पिटल है ना जो एस पी आई टी एल हॉस्पिटल तो इस तरीके से, से बहुत है ये ऊपर यहाँ लिखा भी हुआ है लिखा भी हुआ है सेम चीज़ हम यहाँ लिख भी सकते हैं ये क्या है किस चीज़ का निशान है टॉयलेट का है तो जब हम बाहर जाते हैं तो इस तरह के डिफरेंट साइंस हमको दिखते हैं ये किस तरह का है सिगरेट है और ये एक क्रॉस उस पर बना हुआ है इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सिगरेट पीना या स्मोक करना मना है तो यहाँ क्या लिखेंगे नो स्मोकिंग जोन नो स्मोकिंग जोन एस एम ओ के आई एन जी स्मोकिंग और जोन जोन मीन्स एरिया क्षेत्र जिसको बोलते हैं तो ऐसी जगह है जहाँ पर आप, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से आप इस पेज को फिल कर लेंगे नीचे हेल्प बॉक्स भी यहाँ पर देखिए दिया ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है तो आप इसको यहाँ मेंशन कर लेंगे सेवन नंबर पे क्या लिखेंगे नो ये क्या कर रहा है ये थूक रहा है स्पिट कर रहा है तो यहाँ पर नो इस, स्पिटिंग जोन थूकना मना है यहाँ पर ये ट्रेन है तो ये कौन सी जगह है दिस विल बी रेलवे स्टेशन यहाँ पर लिख देंगे ठीक है और यहाँ पर आपको फोर्क है और नाइफ है तो ये क्या है मतलब ये कोई खाने की जगह है ईटिंग प्लेस यहाँ लिखा हुआ है देखिए Here, place. तो पे क्या करेंगे place लिख देंगे. तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक और एक्सरसाइजेस आई विल सेंड अलॉन्ग विद्यू यू कैन लर्न राइट इन द्लासा कॉपी ऑफ एक uh, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ इमरजेंसी वेहीकल या इमरजेंसी सर्विसेस कौन कौन सी हैं बहुत सारी होती हैं इसमें एक फायर सर्विस और एक है एम्बुलेंस सर्विस तो दिस आर देंसी सर्विसेस तो दिस वॉज द पेज ट्वेंटी फोर पेज नंबर ट्वेंटी फोर एंड नेक्स्ट इज पेज नंबर ट्वेंटी फाइव इट इज़ चैप्टर सेवनटीन एंड इट इज अबाउट म्यूजिकल इन वर्ल्ड म्यूजिक की दुनिया अब इसमें क्या है अलग अलग तरीके की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ए डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिकल टोन और साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऐसे वाद्य यंत्र जिससे संगीत पैदा किया जाता है संगीत निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत तरह के होते हैं आपने बहुत सारे देखे भी होंगे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर क्या करना है मैच करना है मैच देम विद रिलेटेड म्यूजिशियन म्यूजिशियन किसको बोलते हैं जो म्यूजिक बनाते हैं या म्यूजिक बजाते हैं उनको हम म्यूजिशियन बोलते हैं म्यूजिशियन तो बांसुरी बजाने वाले म्यूजिशियन कौन से हैं भाई आप बताइए फर्स्ट का क्या होगा आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट कौन सा होगा बांसुरी बजाने वाले कौन है बताइए पहचानिए ये फोर्थ नंबर पर डी पंडित हरी चौरसिया ये म्यूज़िक बजाते थे तबला आप देख सकते हैं तबला आप इसको थोड़ा सा फुल व्यू में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा छोटा हो जाता है तबला कौन बजाता है बताइए जाकिर हुसैन तो आप ऐसे यहाँ से उठाएंगे और नीचे जाकिर हुसैन पर लगा देंगे फिर है आपका सितार थर्ड जो है सितार कौन बजाता है पंडित रविशंकर फिर हारमोनियम हारमोनियम जो है वो चौथे नंबर पे है कौन है ये श्री राम भो दिस और शहनाई सबको पता है बहुत मशहूर है उस्ताद मिसमिल्ला खां शहनाई बजाते हैं हैं कि नहीं और लास्ट अब एक ही बचा समझ जाएंगे सरोद उस्ताद अमजद अली खान तो दिस इज़ द चैप्टर इन विच यू हैव टू मैच द म्यूजिशियन विद द पर्सन हु इज द म्यूजिशियन तो म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट से मैच करना था ठीक है बुक में ऐसे मैच कर लेंगे कॉपी में करना है वो हम आपको भेज रहे हैं उसमें आप कर लेंगे नेक्स्ट इज कलेक्टिव या कलेक्शन कलेक्शन क्या होता है ग्रुप बहुत सारी चीजों के ग्रुप को हम कलेक्शन कहते हैं वेन देर इज ए ग्रुप ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग वी कैन यूज ए वर्ड फॉर दिस दिस वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कलेक्टिव नाउन ये कलेक्टिव नाउन तो बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो हम उसको किसी एक नाम से जाते हैं उसको हम कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं ठीक है ना तो आप यहाँ पर इस चैप्टर में लिखिए नीचे अब बर्ड्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं भाई ए डैश ऑफ बर्ड्स तो इसको हम बोलते हैं फ्लॉक एफ एल ओ सी के फ्लॉक है कि नहीं फिर दूसरा डैश ऑफ फिश बहुत सारी मछलियाँ होती है इसको बोलते हैं शॉल एस एच ओ एल शॉल ठीक है सिमिलरली आगे चलेंगे इसी तरीके से नीचे इसको हम बोलते बोलते हैं herd. बोलते हैं झुंड ना -E है कि नहीं -A -A galaxy. ये बॉक्स में सारा दिया हुआ है आप यहां से भी स्पेलिंग देख सकते हैं डैश ऑफ फ्लावर्स डैश ऑफ फ्लावर बंच ऑफ फ्लावर्स है कि नहीं B सॉरी बंच ऑफ फ्लावर्स बी यू एन सी एच बंच ऑफ फ्लावर्स तो आप यहां बंच लिख दीजिएगा है कि नहीं बी यू एन लिखिए बी यू एन सी एच बंच और लास्ट है क्या होगा यहां हो पर पैक ऑफ कार्ड्स, पी ए सी के पैक ऑफ कार्ड तो लाइक दिस यू हैव टू फिल इन द बुक एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो एंड द लास्ट पेज इज ओनली फॉर द स्टडी पर्पज आई हैव नॉट गिवेन एनी एक्सरसाइज यू हैव ओनली हैव टू ओनली स्टडी अब यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के बारे में दिए हैं और ऑर्गन्स की वेट के अकॉर्डिंग हैवीएस्ट ऑर्गन सबसे भारी ऑर्गन कौन सा होता है दैट इज द स्किन स्किन हमारी स्किन जो है वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव ग्राम्स यानी लगभग साढ़े चार के जी का हमारा स्किन होता है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है कवर करता है तो इट इज़ ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन और वो सबसे भारी और साथ ही साथ सबसे हेवीएस्ट एंड सबसे बड़ा भी कह सकते हैं जिसका स्पेस सबसे पूरी बॉडी को कवर करता है नेक्स्ट है लिवर फिर ब्रेन है वन एंड हाफ के जी डेढ़ किलो का होता है लंग्स थोड़ा सा कम होता है ठीक है वन थाउजेंड वन के जी थ्री हंड्रेड ग्राम्स कह सकते हैं नेक्स्ट है हार्ट है कि नहीं 300 ग्राम्स होते हैं किडनी 260 ग्राम पेयर में होती है दो होती है ना दिस इज किडनी दो है और और लास्ट में इधर आइए नेक्स्ट जो है वो स्प्लिन यहाँ पर 175 सिमिलरली आगे आ जाइए नेक्स्ट दिस पैन क्रिया दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन पचाने में मदद करता है इज ओनली सेवेंटी ग्राम थायरॉयड यहाँ पे ये यह गले में होता है दिस इज 20 ग्राम्स एंड पॉस्टर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 11 ग्राम्स का होता है तो डिटेल्स नहीं पढ़ना है एटलीस्ट यू शुड नो द सम ऑफ द नेम्स ऑफ योर ऑर्गन तो बॉडी ऑर्गन्स हैं और इनके नाम एटलीस्ट आप लोग याद करेंगे और स्किन के बारे में जानिए इट इज हेवीएस्ट ऑर्गन तो होप ऑल ऑफ यू मस्ट एंड दिस एक्सरसाइज sheet I will send you which you have to complete in your class for copy. The instruction has been mentioned here. To so complete these things in your fair copy and uh, go through the book and the lecture video and uh, complete the things. Hope all of you must have understood. Thank you. God bless you very much.